बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाग्य रीजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर जकी अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 बॉयल्स लॉ विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। बेटा, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ लॉज पेश किए जो गैस के रिलेटेड थे, लेकिन बॉयल्स लॉ को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ वेरिएबल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में जाके भी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। बेटा, ये चार वेरिएबल्स हैं जिनके रिलेशनशिप को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपने अपने लॉ पेश किए, जैसा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। इन्हीं लॉ में से एक लॉ बॉयल्स लॉ है, जिसके अंदर बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया। ये लॉ बॉयल्स ने 1662 के अंदर पेश किया। इस लॉ के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इस चीज़ के बारे में जाना, लेकिन इसने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा। अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ तो हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इन 1662, ये डेट ऑफ याद रखनी है इसकी, रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब बॉयल अपना रिलेशनशिप स्टडी कर रहा था तो इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इसने एक स्टेटमेंट पेश की। उस स्टेटमेंट में इसने कहा कि हमारे पास जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि वो कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाए, ताकि हम अपना बाकी सारा लॉ आसानी से लेकर चलें। बेटा, दो रिलेशन है हमारे पास, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बच्चे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि इन दोनों मार्कर्स आपस में क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिस रेशो से ये चीज़ बढ़ती है उसी रेशो से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है बेटा? या जिस रेशो से ये चीज़ कम होगी उसी रेशो से ये चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे रिलेशन को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और दूसरे रिलेशन में हमारे पास आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसमें बच्चे, जिस रेशो से ये चीज़ बढ़ेगी उसी रेशो से ये चीज़ भी बढ़ेगी। अगर दूसरे अल्फाज में आ जाए तो जिस रेशो से ये चीज़ कम होगी उसी रेशो से ये चीज़ भी क्या होगी, कम होगी। उम्मीद है कि आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता लग गया होगा। तो बेटा, बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या स्टेटमेंट दी? इसने कहा कि हमारे पास जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, गैस के। अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, या अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसकी स्टेटमेंट थी, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपके पास एक गैस है जिसका कोई मास है, उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके प्रेशर के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर
टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए। बेटा स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो आपको पता है वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि प्रेशर को पी से, तो ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। बच्चे अब हम इस सिंबल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। उसके लिए हमने एक के वेरिएबल दिया है, V इज इक्वल टू के ओवर पी। प्रेशर हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू के, और ये कॉन्स्टेंट के बराबर है। जैसा कि हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को, इस लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो बेटा वो हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, इस स्टेटमेंट के जरिए, इस कानून के मुताबिक, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, आपके पास किसी भी जो गैस है, जो गिवन मास है, उसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, कि हमारे पास प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बेटा सपोज करें मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ये इसका वॉल्यूम है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। प्रेशर अप्लाई करने से पहले उसका वॉल्यूम क्या था, हमने दोनों नोट कर लिए। P1 हमारे पास क्या है, इनिशियल प्रेशर। V1 हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास P2 और इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, V2। इसका फाइनल प्रेशर कितना है और इसका वॉल्यूम जो रह गया है वो कितना है, उसको हम कह देते हैं P2 को हमारे पास फाइनल प्रेशर, V2 को हम कह देते हैं फाइनल वॉल्यूम। तो बेटा जब हमने दोनों को स्टडी किया तो हमने देखा कि वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहे हैं। तो बेटा क्योंकि दोनों रिलेशन हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहे हैं तो हमने कहा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। As both equation have same constant, इसका भी constant k है, इसका भी constant k है, और तो ये दोनों variables को हम एक दूसरे के equal लिख लेते हैं, जिस तरह की ये मैंने equation 3 के अंदर इनको equal कर दिया। तो बेटा ये वाली जो equation established हो गई है, ये equation, ये हमें बताती है pressure और volume के दरमियान क्या relation है, ठीक है बेटा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए बॉयल्स लॉ को प्रूफ करेंगे, एक्सपेरिमेंट के जरिए बॉयल्स लॉ को प्रूफ करना है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बेटा उसके लिए मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसका पिस्टन जो है वो क्या है हमारे पास, मूवेबल है। पिस्टन हमारे पास क्या है, इसका मूवेबल पिस्टन, इधर मैं लिख देता हूं मूवेबल पिस्टन। बेटा जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया, अगर मैं सपोज करता हूं कि फर्स्ट केस में मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो वो था 280 m। प्रेशर अप्लाई करने के बाद मैंने जब इसका वॉल्यूम देखा तो मेरे पास जो वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ वो था 1 dm³। जब मैंने इसके ऊपर 280 m प्रेशर अप्लाई किया तो मेरे पास वॉल्यूम कितना रिकॉर्ड हुआ, 1 dm³। इसको मैं P1 कह देता हूं और इसको मैं क्या कह देता हूं, V1 कह देता हूं। बेटा जब मैंने प्रेशर को 280 m से बढ़ाकर
फोर एटीएम किया, टू एटीएम से बढ़ाकर फोर एटीएम किया, प्रेशर मैंने कितना कर दिया, टू एटीएम से फोर एटीएम। तो बेटा मेरे पास जो वॉल्यूम था, जैसे ही प्रेशर मैंने बढ़ाया 2 ATM से 4 ATM कर दिया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम था वो इसका क्या हो गया, कम हो गया, 0.5 decimeter cube हो गया। तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम। इधर प्रेशर था हमारे पास 2 ATM, वॉल्यूम था 1 dm³। जब मैंने प्रेशर को बढ़ाकर 4 ATM किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है बेटे, फिर मजीद हमने क्या किया, जब प्रेशर को 4 ATM से बढ़ाकर 6 ATM किया, अब प्रेशर मैंने कितना कर दिया है, 6 ATM कर दिया, तो बेटा इसका वॉल्यूम जो था वो मजीद डिक्रीज हो गया और वो हमारे पास रिजल्ट आया 0.33 decimeter cube इसका वॉल्यूम हो गया। ये हमारे पास V2 था, ये हमारे पास V3 था, ये हमारे पास बचे P2 था, ये हमारे पास क्या हो गया था, P3 हो गया था। तो आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पहले प्रेशर था हमारे पास 2 ATM, वॉल्यूम था 1 dm³। जब मैंने प्रेशर को डबल किया, 4 ATM कर दिया, तो वॉल्यूम आपका हाफ रह गया। जब मैंने प्रेशर को 3 times इंक्रीज किया पहले एक्सपेरिमेंट के, तो हमारे पास वॉल्यूम भी 3 times डिक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को मजीद बढ़ाया। अगर आप देखें तो प्रेशर को मैंने जब क्या किया, मजीद बढ़ाया, अब यहां पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है 8 ATM। तो बेटा आप देखें इसका वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम हमारे पास आया 0.25 decimeter cube। तो आप देख सकते हैं इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस रेशो से हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसी रेशो से वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर हमने डबल किया तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या है, 2 times डिक्रीज हो रहा है। अगर हमने 3 times प्रेशर किया है फर्स्ट के, तो हमारे पास वॉल्यूम भी 3 times कम हो रहा है। अगर हमने 4 times किया प्रेशर, तो हमारे पास वॉल्यूम भी 4 times डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकलता है। तो बच्चे हमारे पास P1 के लिए प्रेशर कितना था, 2 ATM, P2 के लिए हमारे पास क्या था, 4 ATM, 3 क्या था हमारे पास, 6 ATM, और 4 हमारे पास क्या था, 8 ATM, और हमारे पास वॉल्यूम आपने बताते जाना है मुझे, वॉल्यूम हमारे पास क्या था जी, 1 dm³। फिर हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया, 0.5 decimeter cube, और 3 times पे क्या हो गया, 3 times डिक्रीज हो गया, 0.33 decimeter cube, और 8 times पे क्या हुआ हमारे पास, 0.25 decimeter cube। बेटा अगर हम फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया हो सिलेंडर के अंदर, फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो, मेरी बात फिर सुन लें, अगर हमारे पास जो गैस का मास है वो फिक्स्ड हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट आता है। मैं अपनी बात दोबारा दोहराने लगा हूं बेटा, अगर हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो मास ऑफ गैस लिया है वो फिक्स्ड है,
और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। वो हम इस कैलकुलेशन के जरिए अभी प्रूफ कर देते हैं। तो बेटा आपको पता है प्रेशर 2 था, वॉल्यूम हमारे पास 1 डीएम क्यूब था, तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 2 एटीएम पर डीएम क्यूब। आपके पास क्या आएगा, 2 एटीएम डीएम क्यूब, 2 एटीएम डीएम क्यूब, 2 एटीएम डीएम क्यूब। तो बच्चे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हमारे पास फिक्स मास ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें तो हम स्टेटमेंट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने कंक्लूजन निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि आपके पास प्रोडक्ट जो होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और फिक्स मास ऑफ गैस को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के लिए आप रेडी रहें, और बेटा जब भी हम लेक्चर दिया करें आप अपनी बुक्स और कॉपीज खोल कर रखा करें ताकि आप नोट कर सकें। कुछ हाइडिंग्स होती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सवाल किया होता है, जैसा कि अगर आप देखें कि इंट्रोडक्शन की हाइडिंग देनी है, उसमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकली, ये हम पहले ही बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने कॉपी के ऊपर इस सवाल को कैसे लिखना है ताकि आप पूरे मार्क्स हासिल करें। और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं वो हम आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।